बोकारो के सदर अस्पताल से लगातार निकल रही हैं एक्सपायरी दवाइयां। यह दवाइयां काफी कॉस्टली हैं और जन उपयोगी भी, लेकिन अब यह लोगों के काम नहीं आ सकती क्योंकि यह एक्सपायर हो चुकी है। पिछले दिनों भी बोकारो के सदर अस्पताल के शौचालय से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा बरामद की गई थी, जो करीब लाखों रुपए की बताई जा रही थी। और एक बार फिर बोकारो सदर अस्पताल के एक क्वार्टर में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा मिली है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इस बार जो दवाई मिली है वह पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में है और पेटी का सील खुलने से पहले ही दवा जो है वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुकी है। दवा का अनुमानित मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में ज्यादा बोलने से लोग जो है वो बचते नजर आ रहे हैं। वही सभी आकलन की बात कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर दवा कैसे एक्सपायर हो गई सदर में। एक्सपायरी दवा तो एक्सपायर होंगी, ऐसा कभी नहीं किसी संस्थान में नहीं होता कि दवा एक्सपायर नहीं होता। जो अभी जो दवाइयां मिली हैं वो प्राय 18-19-20 में एक्सपायरी वाली दवाइयां हैं, जो कि खर्चा नहीं हुई, उसका अनेक कारण हो सकता है। उसमें हम लोग जांच टीम बनाए हैं, जांच टीम जांच करके प्रतिवेदन देगा, उसके बाद हमको कुछ भी बोलना उचित होगा। कभी कभी देखिए, हकीकत यह है कि बहुत सी दवाइयां स्टेट से आती हैं। कुछ ऐसी दवाई आ गई जिसमें जो जैसे दो ढंग का रोग है, एक रोज मरे होने वाला, एक कभी कभी होने वाला। अब कभी कभी होने वाला दवाई आ गई, जैसे हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, तो उसकी यदि दवा है तो उसका खर्चा तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमेशा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का रोगी मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये जो दवा है एक्सपायर्ड जो दवा है ये बहुत पहले सालों का, क्योंकि सदर अस्पताल 2013 में बना था और उसके बाद से कोई शायद 2015 में कंडम कमेटी बैठी थी, उसके बाद से कोई कंडम कमेटी का बैठक नहीं हुआ है, इसीलिए पुराना दवा जो एक्सपायर्ड है वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है। वो एक नियम कहता है कि जहाँ जो आपका दवा एक्सपायर कर गया है वो दवा आपको सर्कुलेशन के बीच में नहीं रखना है, उसको कहीं ना कहीं अलग स्थान में रखना है, तो वो अलग स्थान पर रखा हुआ है। तो ये नहीं है कि कोरोना काल में जो दवाइयाँ आया था उसमें भी से बहुत सारा वही चीज है? नहीं नहीं, ये जो दवा है ना, ये जो अभी तक जो हम लोग जांच किया है, ये जो 2018 में जो दवा है एक्सपायर कर चुका है, तो 2018 में कोरोना था ही नहीं, कोविड-19 मतलब 2019 के बाद ही कोविड आया है, 2019-20 में है ना कोविड। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।